7 in the morning and we are about to see the sunrise. Look at the sky, how beautiful it is looking. All shades of pink and purple. And this is our resort, Ran Chandni. So there are two options here. These are these huts of different shapes. We have taken the family room because we wanted everyone to stay together. सुबह के 9:40 सोचा थोड़ा सा गांव एक्सप्लोर करके आते हैं। अभी हमने ब्रेकफास्ट खाया, हमारे होम स्टे में इंक्लूडेड था, काफ़ी अच्छा पोहा बना रखा था, तो अब पेट भरा हुआ है, एक्सप्लोर करने के लिए सही टाइम है। लेट्स गो। तो गांव में कॉटेज इंडस्ट्री, यहाँ पे ट्रेडिशनल शॉल वगैरह और वो सब बना रहे हैं। ओके, कुशन कवर्स बना रहे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, तो ये है होड़का गांव। दिस इज द मेन विलेज। देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल cottage industries in each of these houses. So the girls here are a little shy, so we've not taken their video without their permission, but they're very sweet and nice to talk to. You can come and spend some time with them. तो अब हम चल पड़े हैं होड़का से और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सियोट केव्स, जो कि लखपत के पास है। यहाँ से तकरीबन 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, ढोडो होते हुए हमें जाना पड़ेगा। तो गांव के बीच में से जाते हुए तो मेन रोड से गांव में उतरने का रास्ता जो है वो उबड़ खाबड़ है, थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलाएं तो बेटर है। स्पेशली रात को जब आते हैं तो कोई लाइट नहीं होती है, यू फील कि यहाँ रास्ता है भी या नहीं है, यू कंफ्यूज, क्योंकि जीपीएस भी बहुत अच्छे से रास्ता नहीं दिखाता है। राइट। तो इस रास्ते पे गाय, भैंस वगैरह, बकरी वगैरह काफी फ्रीक्वेंटली हाईवे पे आ जाती हैं, तो इट्स एडवाइजेबल के धीरे चलाएं, देख के चलाएं, अदरवाइज द कंडीशन ऑफ द रोड इज गुड। नाउ व्हाट वी सी इन फ्रंट ऑफ अस इज द मेन गेट ऑफ रन उत्सव। हम रात को आए थे तो बहुत क्लियरली विजिबल नहीं था यहाँ से वापसी, क्योंकि हम पहले कल कालू डूंगर गए थे, ना कि रन आए थे पहले, तो इस वजह से हमारा रास्ता दूसरा था। बट अगर आप भुज से डायरेक्ट आते हैं तो मुझे लगता है यहीं से आप एंटर करोगे जो मेन गेट है यहाँ पे रन उत्सव का। सो इट इज 10:40 इन द मॉर्निंग एंड आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर ओपन। खाने पीने की भी और खरीदारी की भी जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं सारी। यहाँ पे नमक बनाया जा रहा है, ये है राइट। सो ये है हमारे देश का नमक जो पहुँचेगा हमारे घरों में और इस... हमारे खाने को टेस्टी बनाएगा। तो ढोरडो के बाद ये जो रोड है ये एकदम सिंगल है, इसमें मार्किंग्स भी नहीं है। द रोड विच गोज टू लखपत फ्रॉम हेयर। लेकिन एक रास्ता जो भुज से लखपत जाता है वो अलग है, ये जो रास्ता है ये रन से लखपत तक जाता है। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं दोनों तरफ रेगिस्तान और राइट साइड में डेजर्ट के साथ में नमक बनाने का प्रोसेस भी चल रहा है, बट इट्स टोटली आइसोलेटेड। यहाँ पे कोई गांव नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कोई चाय की दुकान नहीं है, बस ऐसे ही चलना है इसी रास्ते में। तो चारों तरफ नमक का रेगिस्तान और कुछ नहीं नजर आ रहा है, नॉट इवन कार्स ऑन दिस रोड। इट्स रियली नाइस एक्सपीरियंस टू ड्राइव। वाइट वाइट बिल्कुल नमक भी दिख रहा है साथ साथ, yes. कई जगह पूरा पैच लग रहा है, स्नो है। वी कैन कॉल इट स्पीति, द फ्लैट स्पीति, द फ्लैट स्पीति। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं रोड भी खराब होती चली गई, काफी गड्ढे हैं सड़क पे, और उसका कारण ये हो सकता है कि यहाँ पे गांव कम है तो इस रोड की मेंटेनेंस कम होती होगी, टूरिस्टी भी नहीं है एरिया और ट्रक्स भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं।
तो ये हैं हमारे रेगिस्तान के जहाज जो पार करना चाह रहे हैं सड़क। इन्होंने हमें रास्ता तो दे दिया, जाने तो नहीं। अरे चलो चलो, अरे जाने तो नहीं। अरे कितने सारे, मम्मी देखना काला ऊंट भी है इसमें एक। सड़कें जो है बहुत ही खराब है लगातार, और सामने नजर आ रही है विंडमिल्स। चलो बस चलो। हाँ तो एक गांव आ गया कोई, जिसके अंदर से अब हम निकल रहे हैं। गांव ही है, रोड का है। चलो ना सीधा यही रोड है, चलो बस चलते रहो। So what we tried was going directly to Lakhpat from runoff Kutch, but the roads are in bad condition. मतलब roads है ही नहीं actually. So if you are planning to go to Lakhpat, I would advise you rather go to Bhuj first and then take the highway, क्योंकि यहाँ तो it's like dancing roads. तो खराब रास्तों से जूझते हुए अब हम आ गए हैं नारा गांव। अभी किसी से पूछा तो उसने बताया कि इसके बाद रास्ते ठीक होने चाहिए। तो लेट्स सी, दिस इज नारा विलेज ऑफ कच्छ। फिलहाल तो कोई गड्ढे नहीं है और आराम से 60-65 की स्पीड मेंटेन करके इस हाईवे पे चला जा रहा है। फाइनली एक बोर्ड आया जहाँ लिखा हुआ है कि सीधा जाएंगे तो कोटेश्वर, नारायण सरोवर और लखपत पहुंच जाएंगे। इन सब जगहों पे हमें जाना है, लेकिन उससे पहले विल एक्सप्लोर सी और केव्स। तो दोपहर के 1:15 हम पहुंचे हैं गडूली। यहाँ से रास्ता कट रहा है, एक रास्ता जाएगा लखपत और एक रास्ता जाएगा सी और केव्स। तो फर्स्ट वी विल गो टू द केव्स एंड देन वी विल आल्सो गो टू द फोर्ट, लखपत फोर्ट। तो यहाँ पे यहाँ पे बोर्ड भी लिखा गया, टेक अ राइट फॉर सीओट केव्स एंड कटेश्वर टेम्पल एंड गो स्ट्रेट फॉर लखपत। सो विल टेक अ राइट गुनेरी, गुनेरी गुफा। यहाँ से इस कट से है एग्जैक्टली 10 किलोमीटर और 20 मिनट का रास्ता। रोड की दशा ना तो बहुत अच्छी है ना ही बहुत खराब है, बीच बीच में गड्ढे तो हैं, उनको नेगोशिएट करके चलना पड़ रहा है। सीओट केव्स अभी भी दिखा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे है 6 किलोमीटर फ्रॉम हियर सीओट केव्स ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पे एक तो गेस्ट हाउस वगैरह भी है रहने के लिए। सो सीओट केव्स 500 मीटर फ्रॉम हियर। 1 बजे दोपहर के पहुंच गए। अरे वाह, तो दोनों तरफ अगर आपको अपनी गाड़ी में दोनों तरफ स्क्रैच लगवाने हैं तो ही आना है इस रास्ते से। ये टैक्सी में आ जाना और टैक्सी में स्क्रैचेस लगने देना, इट्स ओके। थोड़ा घूमने आए तो बचा स्क्रैचेस लग गया तो कोई बात नहीं, गाड़ी ही है। ऐसा देखने से लगता है कि यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट लोग आते होंगे। तो फाइनली वी हैव रीच्ड द सीओट केव्स, नोबडी हियर एक्सेप्ट अस। एक ही गाड़ी है केवल हमारी और बिल्कुल केव्स के फ्रंट में गाड़ी लगाई है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड सीओट केव्स, 1:10 दोपहर का। दीज आर द केव्स, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी एडी में ये बनी हुई केव्स हैं और बुद्धिस्ट केव्स हैं। दिस इज हाउ दे लुक लाइक। लेट मी ट्राई टू गो इनसाइड एंड सी इफ आई कैन कैप्चर समथिंग। आई विल आल्सो कम विद यू। Please come. Right, so this is how the caves look from inside. तो यहाँ पे सीओट केव्स भी हैं, कटेश्वर केव्स भी हैं और थोड़ा आगे जाएं तो एक केव में शिवा टेम्पल भी है।
तो देखते हैं हम क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं है ये वाला एरिया और बहुत ज़्यादा टूरिस्टी भी नहीं है। हमारी गाड़ी सामने खड़ी है केव्स के। तो ये जो केव्स हैं, हालांकि ये बहुत पुरानी है, 2000 साल पुरानी केव्स हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने इनको ख़राब किया हुआ है, इस पर अपना अपना नाम लिखा हुआ है। तो ये है गुनेरी गाँव, सियोट और गुनेरी साथ साथ हैं दोनों गाँव। तो गुनेरी गाँव से थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे है ये गुनेरी में शिव टेम्पल, जो कि एक गुफा के अंदर मंदिर है। तो ये है हर हर महादेव। तो ये है गुनेरी गुफा शिव टेम्पल, बहुत ही सुंदर और प्यारा मंदिर है। तो ये गुफा के अंदर बना हुआ मंदिर है, नेचुरल केव, इट्स अ नेचुरल केव, पत्थर के नीचे बना हुआ मंदिर है। तो इसमें अलग अलग चेम्बर्स हैं। यहाँ पे शिव जी भगवान का शिवलिंग हवन कुंड, हाँ जी हवन कुंड, यहाँ पे नंदी महाराज, यहाँ महादेव जी, और यहाँ पे महादेव जी रामेश्वर। और इस साइड अगर जाऊं दूसरे चेंबर के अंदर, सो व्हाट आई सी इज परिक्रमा। अच्छा ये यहाँ से परिक्रमा है, इस साइड। ओके आओ परिक्रमा करेंगे, चलो गाइड लगा दे। अरे वाह, अंदर थोड़ा सा अंधेरा है। तो मंदिर के प्रांगण में ही काफी बीच में स्टीप सीढ़ियां हैं, जहां से चढ़ने के लिए ये एक रस्सी लगाई गई है। तो यहां से हम अभी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अभी परिक्रमा करी और दर्शन करे शिवा टेंपल, जो गुफा वाले हैं यहाँ पर उनके। तो यहाँ पे काफी सारी गुफाएं हैं अलग अलग, दे आर सेट टू बी मेड अराउंड 1 or 2 AD। तो काफ़ी पुरानी गुफाएं हैं, अंदर लाइटिंग नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो वी कुड नॉट कैप्चर इट, पर बहुत ही सुंदर शिवा का टेम्पल है। और उसके पीछे से परिक्रमा जाती है, एक बहुत ही नैरो सा रास्ता है, यू हैव टू यूज़ योर फोन्स टॉर्च टू गो देयर, बट इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और कई लोगों को पता भी नहीं है, और ये मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे चीकू लगे हुए हैं, चीकू ट्रीज हैं। तो एक बार को तो लगा था कि वी हैव लॉस्ट द ट्रैक, एंड क्योंकि रास्ता नहीं है, प्रॉपरली मार्किंग नहीं, ऑफ रोडिंग है, और लगा था कि हम कहीं गलत ही ना आ गए हों, ये पता नहीं पहुँच ही रहे हैं नहीं पहुँच रहे हैं। बट फाइनली वी मेड इट टू द टेम्पल एंड वी इट वॉज़ वेरी नाइस। असल में बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा, तो एकदम से ठंडी केव के अंदर आकर अच्छा लगा। जो फर्स्ट केव में हम गए थे वहाँ पर काफ़ी सारे बैट्स थे, तो हमने बहुत अंदर जाके एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि बच्चे साथ में थे, वी डिडंट वांटेड के बैट्स एकदम से ऊपर आके हमारे ऊपर आ जाएं। और क्योंकि जहाँ पे केव्स में ज़्यादा जाते नहीं है, तो वहाँ पे बैट्स जनरली आ जाते हैं। आई कुड सी सम व्हेन आई ट्राइड टू एंटर द केव। तो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, एज इट इज़ सेड कि शिवा का है और बुद्धा की केव्स हैं, जो हमने पढ़ा था ऑनलाइन उसके हिसाब से। तो वी जस्ट एक्सप्लोर्ड वन ऑफ दोस एंड इट वॉज़ रियली गुड। तो अगर आप लोग को अच्छे लगते हैं केव्स वगैरह, बहुत पुरानी के हज़ारों साल पहले लोगों ने कैसे केव्स बनाई थी, तो आप यहाँ आ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, थोड़ा रूट इतना अच्छा नहीं है, देन आई मीन यू कैन मेक योर चॉइस। तो शिवा टेम्पल आने के लिए ये रोड है जो अंदर आती है नीचे गुनेरी गाँव से। तो मंदिर के आसपास तो रोड अच्छी है, लेकिन उसके बाद एकदम से ऑफ रोडिंग है। सो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे इज लखपत फोर्ट। तो दोपहर के बज रहे हैं 2:20, और यहाँ से 20 ही मिनट का रास्ता दिखा रहे हैं लखपत फोर्ट का। ओके सो दिस इज द वे, ऐसा ही रास्ता है, आना है तो ऐसे रास्ते के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। ऑफ रोडिंग प्लस मिट्टी सब कुछ एक साथ। तो यहाँ पे थोड़ी रेत है, तो इन केस यू आर ड्राइविंग ऑन दीज रोड्स, वन थिंग टू मेक श्योर इज कि डोंट स्टॉप योर कार इन बिटवीन। जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी या रेत होती है ना, वहाँ पे गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर गाड़ी रुक गई तो फिर दोबारा मोमेंटम पकड़ना मुश्किल हो सकता है, पहिया धंस सकता है रेत में। लेकिन मोमेंटम में गाड़ी रहती है, चलती रहती है, तो निकल जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पे तो सड़कें हैं ही नहीं, जो रास्ता हम लोगों ने लिया अभी शिव मंदिर से लखपत जाने के लिए, पूरा मिट्टी वाला रास्ता है। सामने नजर आ रहा है लखपत फोर्ट,
दोपहर के 2:40 पे हम पहुंच गए फोर्ट लखपत। सामने लग रहा है, दिख रहा है एक छोटा सा रेस्टोरेंट और राइट साइड में फोर्ट। सो दिस इज द एंट्री टू फोर्ट। यहाँ पे अंदर एक मंदिर भी है और एक अंदर गुरुद्वारा भी है। तो ये है गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार। हम अभी हैं गुरुद्वारा लखपत जो है वहाँ पर, लखपत फोर्ट के अंदर ही ये गुरुद्वारा है। माना जाता है कि जब गुरु नानक देव जी अपने मक्का के लिए जा रहे थे, जो बहुत ही फेमस जर्नी का ही जगहों पे उनकी स्टोरी पढ़ी जाती है, तो उन्होंने यहाँ पे रेस्ट किया था। कई बार और भी जाते वक्त, साउथ में जाते वक्त उन्होंने रेस्ट किया था यहाँ पे। उनकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अभी भी प्रिजर्व की जाती है। काफ़ी पुराना है ये गुरुद्वारा जो है। और एक चीज़ जो यहाँ की है वो कि राउंड द क्लॉक यहाँ पे ट्रैवलर्स या कोई भी विजिटर आता है, उनको लंगर दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है, तो एक वो है। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी पुराने टाइम के जो सामान हैं गुरु नानक देव जी के, जैसे उनके फुटवेयर हैं और कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी यहाँ पे प्रिजर्व की गई हैं। तो ये है वो गुरुद्वारा जहाँ पे गुरु नानक देव जी जो थे मक्का जाते वक्त आए थे और यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था। बहुत ही पुराना है ये, और यहाँ पे उनके जो मैं बता रही थी पुराने टाइम की चीज़ें भी रखी हुई हैं। और ये दरबार है उनका। बहुत ही शांति सी महसूस होती है जब हम गुरुद्वारे में एंटर करते हैं। सो दिस इज फोर्ट लखपत बिहाइंड मी। ये चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है और यही है फोर्ट लखपत। तो फोर्ट लखपत की दीवार पे एक व्यू पॉइंट भी है एंड दीज आर द स्टेयर्स दैट गो अप। सो दिस फोर्ट इज मोर देन 200 ईयर्स ओल्ड। सो वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वॉल। तो हम हैं अभी ruins of once a flourishing trading port, जो अब यहाँ पे सिर्फ खंडर रह गया है। तो राव लाखा के नाम पे कहा जाता है, इस फोर्ट का नाम पड़ा है। और सिंध डिस्ट्रिक्ट में पहले आता था, सिंध था ये पहले यहाँ पे, और बहुत ही बड़ा पोर्ट था, ट्रेडिंग हब था यहाँ पे। लेकिन ओवर टाइम रूलर्स चेंज हुए, जैसे होता है सारी हिस्ट्री में, धीरे धीरे पूरा शासन काल ख़त्म हो गया और लोग कहीं और माइग्रेट हो गए। सो वंस अ फ्लरिशिंग टाउन depleted into just numbers, and now we are just here with ruins of that fort. What we see behind us are the desert area run, जिसे कहते हैं। और यहाँ से एक और interesting चीज़ ये है कि अगर हम west coast पे आते हैं northern side से, तो पहली बार हमें यहाँ पे ocean का जो glimpse है वो मिलता है। Although it's not a proper ocean, it's a creek area, but yes, we can say safely say that this is the first time when we can witness some portion of the ocean when we are coming on the west coast. And these are the different gates of the fort jo abhi bhi hai intact. It always amazes me ki itne bade bade gate kaise banate the pehle. Aur ye jaise hota hai hamesha to refrain the elephants from breaking the gate. And here we are, right at the desert. कुछ पुराने sculptures भी दिख रहे हैं यहाँ पे, पर जो अब टूट गए हैं time के साथ। But they do tell us the story of the glorious past. Fort पे के ऊपर से view point के लिए काफ़ी सारे अलग अलग जगहों से रास्ता है, आप जहाँ से देख सकते हैं नीचे का पूरा view. ऑल तो सब जगह से सेम ही दिखेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पर रन है, डेजर्ट है। और ये हम फिर से चढ़ गए हैं फोर्ट पे। तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आज सच नहीं है, क्योंकि बहुत ही हार्श क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा धूप है। इवन व्हेन वी आर हियर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, सनस्क्रीन्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो पूरा ही मुंह जल गया है।
तो फोर्ट के पीछे, दिस इज द फोर्ट वॉल, तो वॉल के पीछे आने का भी एक रास्ता है जहाँ पे इधर रन में उतर सकते हैं नीचे। At sea level, 0 meters. So we are right now exactly at sea levels, which is 0 meters, and that is why we see the creek in front of us. तो वो जो सामने मंदिर नजर आ रहा है, वो यहाँ पे बताया गया है कि भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो कि रेगिस्तान में है। So now is the time to go to कोटेश्वर टेम्पल, जहाँ पे नारायण सरोवर में कोटेश्वर नारायण सरोवर साथ साथ ही है, हमारा आज का होटल भी बुक है।